असलकुम, मैं मुजफ्फर सलाम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी इस रेसिपी को देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। तो सबसे पहले इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि जब वीडियो देखेंगे, रेसिपी देखेंगे, तो आप सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। इसलिए आप पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, और बाहर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जो यार हम रहे यार पाइन एप्पल ढलाओ, पाइन एप्पल ढलाओ कैसे मिलते हैं? तो ये मैंने ली है सबसे पहले शील्ड व्हिप क्रीम। व्हिप क्रीम को ठंडी व्हिप क्रीम ली है, तो इसको हम अच्छी तरह बीट करेंगे। इतना बीट करेंगे कि ये इतनी थिक हो जाए कि एक जैसे एक केक को रैप करते हैं, तैयार करते हैं, उतनी थिक हो जाए। तो इसे हम थिक करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल मराहल है, इसे हम इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसे ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब इसमें मैंने खुशबू के लिए डालने लगा हूँ वो पाइनएप्पल एसेंस, ताकि इसका अच्छा जो है खुशबू आए। तो फिर इसे इसमें मैंने ऐड किए थोड़ी सी आइसिंग शुगर, ताकि इसमें थोड़ी सी मिठास आ जाए। और ये जब व्हिप क्रीम तैयार करते हैं, तो जब इसमें शुगर ऐड करें तो ये जल्दी थिक हो जाती है और जल्दी व्हिप हो जाती है। और फिर हम इसे अच्छी तरह व्हिप करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, हमारी जो क्रीम है वो थिक होना शुरू हो गई है। तो इस तरीके से व्हिप क्रीम तैयार करते हैं। अब हम इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। तो ये मैंने एक ब्लेंडर का जग लिया है, इसमें हम पाइनएप्पल डालेंगे, पाइनएप्पल स्लाइस। पानी इनका बिल्कुल खुश करके ड्राई पाइनएप्पल इसमें डालने हैं। तो मैंने क्योंकि ज़्यादा मिकदार में बनाना है, आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ये बनाना है। तो इसमें मैं ये डाल रहा हूँ पाइनएप्पल, और इसको साथ ही मैं कंडेंस मिल्क के साथ इसे ब्लेंड करूंगा अच्छे तरीके से। और इसमें हम शामिल करेंगे कंडेंस मिल्क। तो जी अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड हमने कर लिया, अब इसमें वो ऐड कर देंगे पेस्ट। तो अब फिर हम इसे अच्छी तरह बीट करेंगे, मिक्स करेंगे। बेस हमारी तैयार हो गई है। अब ये मैं आपको देसी तरीके से बनाना सिखा रहा हूँ। अब हम इसे सांचों में डालेंगे अच्छे तरीके से। तो ये देखें मैंने सांचों में डाल लिया है। अब इसके ऊपर हम पाइनएप्पल स्लाइस लगाएंगे।
टॉपिंग करेंगे होल इसकी अच्छे तरीके से पाइनएप्पल की। तो जी पाइनएप्पल हमारा लग चुका है, अब हम गार्निश के लिए खूबसूरती के लिए कलर क्रश कोकोनट डालेंगे। कोकोनट का जो क्रश पाउडर है कलर वाला वो हम डालेंगे। देखें आपके सामने डाल रहा हूँ कितनी खूबसूरती है। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो जी इस तरीके से हम इसे डाल देंगे। बिल कलर्स आसान तरीका मैंने अब तुम बताया है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी 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 इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दें प्रेस। और जिस जहाँ से बैठे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं अपनी सिटी का नाम कमेंट्स में लाजमी लिखें। Thank you.